नमस्कार दोस्तों, युवा आक्रोश में है और युवाओं के आक्रोश का कारण है कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, भर्तियां बहुत कम आ रही है, जो आ रही है वो समय पे नहीं आ रही है और भर्ती आ भी गई तो समय पर पूरी नहीं हो पा रही है। कोर्ट कचहरी के केस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले हर छात्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि इस प्रक्रिया के अंदर बहुत ज़्यादा समय लग जाता है और इस प्रक्रिया के दौरान अनिश्चितता बहुत है। आप राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा की बात हो या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा की बात हो, गारंटी नहीं है। सरकारी तंत्र है, सरकारी प्रक्रिया है, बहुत लंबा समय लगता है और इस दौरान किसी भी छात्र का, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी करने वाला जो छात्र है उसका मनोबल गिरना स्वाभाविक है, क्योंकि घर परिवार समाज में रहते हुए व्यक्ति लोगों की प्रतिक्रियाओं से अलग थलग नहीं रह सकता है। तो लंबे समय तक तैयारी करना, टिके रहना और सफलता का वर्णन करना अपने आप में एक बहुत ही चुनौती का कार्य है। तो सवाल है, क्या किया जाए? दोस्तों, निश्चित रूप से इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये जो प्रॉब्लम अभी बताई ये है, लेकिन हमें इनको मान करके इन चीजों के बीच में सही मार्ग निकालना है। मैं एक छोटी सी कथा सुनाता हूं जिससे मुझे लगता है कि इसका समाधान, इन समस्याओं का जो समाधान है इसी के अंदर है। एक घुड़सवार एक कुएं पर जाकर के रुकता है और कुएं के मालिक से कहता है कि मेरे घोड़े को पानी पीना है। तो कुएं का मालिक कहता है पानी पिला दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो घुड़सवार कहता है कि नहीं, आपका जो कुआं चल रहा है, ये जो रहट की आवाज आ रही है, चढ़ चढ़ की आवाज आती है, इससे मेरा घोड़ा पानी नहीं पीता, इससे मेरा घोड़ा बिदक रहा है, आप रहट को रोक दीजिए। तो कुएं का मालिक कहता है कि हम रहट को नहीं रोक सकते, हम रहट को रोक नहीं सकते, ये रोहट तो ऐसे ही चलेगी, ये रहट चल रही है, चढ़ चढ़ की आवाज आ रही है, और मवेशी पानी पी रहे हैं, और लोग पानी पी रहे हैं, उसी तरीके से आपका जो घोड़ा है वो भी पानी पी सकता है। तो दोस्तों, ये संभव नहीं है कि जीवन के अंदर समस्याएं रुक जाए, परेशानियां रुक जाएं और हम परेशानियां रुक जाएं तब कुछ करें। ये जीवन परेशानियों का नाम है, इन्हीं परेशानियों के बीच के अंदर, जीवन की चढ़ चढ़ के बीच में सही हमें मार्ग निकालना है। ये समस्याएं, ये प्रॉब्लम चलती रहेगी, हमें हमारी मेहनत की धार को और बढ़ाना है, हमें हमारे परिणाम विपरीत भी आ जाए तो हमें हमारे लक्ष्य पे चलते रहना है। एक संस्कृत में पंक्ति है कि कार्य साध्यमी च वात्यापि देह, कार्य की सिद्धि होगी वरना शरीर का त्याग कर दूंगा। ऐसा जब भाव हो मन के अंदर, या खत्म कर देने का मतलब खत्म नहीं है, मतलब शरीर के प्रति निर्मम, निष्ठुर, कठोर, सर्दी, गर्मी, बारिश, किसी चीज की फीलिंग नहीं हो बिल्कुल, वो जो भाव है, वो जो योगी का भाव है, जब सारी दुनिया सोती है तब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला छात्र जागता है और जिस छात्र को कोई नहीं जानता है और राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजस्थान प्रशासनिक सेवा का जब रिजल्ट आता है और अखबार में सुर्खी बनती है तब उसे पूरी दुनिया जानती है। तो दुनिया को जो जानने का नजरिया है वो आपकी सफलता है। सफलता को चुपके से तपस्वी की तरह साधना करते हुए इतनी खामोशी से करो कि सफलता कोहराम मचा दे। आप मत बोलिए, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपकी मेहनत देर सवेर बोलेगी। खुद में विश्वास रखो, ईश्वर में विश्वास रखो और कर्म में विश्वास रखो। दोस्तों, एक शब्द है कृत्यभ्युपगम और अकृत्यभ्युपगम, मेरा उच्चारण सही नहीं है, यानी जो किया है वो मिलेगा और जो नहीं किया है वो कभी नहीं मिलेगा। वेदों के अंदर ये शब्द है जिसका अर्थ है कर्म जो सिद्धांत है उसका फल निश्चित रूप से मिलता है और हम मेहनत करते हैं तो ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। माना कि रास्ता बहुत मुश्किल है और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के दौरान बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन दोस्तों ये प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी नहीं है, ये आपके धीरज का परीक्षण है। मैंने खुद एग्जाम दिए हैं और बड़ा मुश्किल होता है, हिम्मत
बांध करके रखना। तो दोस्तों हिम्मत बहुत जरूरी है, ये जो मन है, चित्त है, इसकी शांति बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो युद्ध लड़े जाते हैं वो मनोबल से लड़े जाते हैं, और जो प्रतियोगी परीक्षा है वो भी अपने आप में एक युद्ध है, और इस युद्ध को जीतने के लिए आपका खुद का मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। कर्म कीजिए, निष्काम भाव से कर्म कीजिए, लोगों की परवाह मत कीजिए, और जब कभी लगे आप कमजोर पड़ रहे हैं तो मेहनत को दोगुना कर दीजिए। कर्म में विश्वास रखिए, मेहनत कभी भी बेकार नहीं होती। और ये मुझे एक पंक्तियां याद आ रही है कि पीसा जाता जब एक सुदंड झरती रस की धारा खंड, पीसा जाता जब एक सुदंड झरती रस की धारा खंड, और मेहंदी जब सहती है पर हार बनती ललनाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं, कंकड़ियां जिनकी सहज सुदर, कंकड़ियां जिनकी सेज सुदर, छाया देता केवल अंबर, विपलाएं दूध पिलाती है, लोरी आंधियां सुनाती है, वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्न को चूम चूम, सह धूप धाम पत्थर पांडव आए कुछ और निकर, सह धूप धाम पत्थर पांडव आए कुछ और निकर, और सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। तो जीवन के अंदर इस तरीके से मेहनत होनी चाहिए, प्रतिक्रिया को छोड़ो, निराशा को छोड़ो, हताशा को छोड़ो, और निराशा के माहौल से निकल करके कर्म में विश्वास रखते हुए, आशावाद में विश्वास रखते हुए आप अपना 100% योगदान अपनी पढ़ाई के अंदर या जीवन के हर क्षेत्र के अंदर आप देते रहो। बाकी प्रतिक्रिया, दुनिया क्या कहती है उसको छोड़ो, एक तपस्वी की तरह आप अपनी तपस्या करते रहो। बाकी ईश्वर बैठा है, आप हिसाब मत करो, वो निश्चित रूप से कण कण के अंदर विराजमान है, आपके साथ में गलत नहीं होने देगा। तो देखते रहिए मेरा चैनल, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपका प्यार मिलता रहे। तो और ऐसे वीडियो लाता रहूँगा जिससे आप में जोश रहे, जुनून रहे, और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के दौरान आपका मनोबल गिरे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।